ब्रेकिंग न्यूज चैनल के लिए मोहसिन राशिद की रिपोर्ट एटा से। हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप जी, आइए उनसे बात करते हैं। क्या था पूरा मामला राहुल गुप्ता का, क्या प्रकरण जो चल रहा है मीडिया में जो रूबरू हुए हैं, तो क्या था ये पूरा मामला? देखिए ऐसा है, राहुल गुप्ता को किसी के कहने से आज से केवल 2 महीने पहले हमने उनको संगठन में जोड़ा और वो कहने लगे कि हमें राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष बना दो, हम एटा के ही हैं, आपका सहयोग करेंगे। मैंने कि चलो ठीक है, हम सरल आदमी, हमने उनको बना दिया। उसके बाद किसी से वो कहने लगे कि अब इनका लड़का मर गया है, अब ये भी मर जाएगा और हम पार्टी पे कब्जा कर लेंगे, और ऐसे उल्टी सीधी खबरें हमने सुनी। और फिर उसके बाद मतलब जाके ये खबर सुन, हम जानते नहीं थे इनके बारे में, फिर हमने खबर सुनी कि इन्होंने वर्तमान चेयरमैन जो तत्कालीन चेयरमैन अनुपम गुप्ता अड़ंगा को मार दिया था, और उसकी पत्नी कंचन अड़ंगा जब विधवा हो गई थी तब हम देखे थे, हम उनके घर भी गए थे एक बार, और अपने लेकिन हमें ही नहीं मालूम था कि यही राहुल गुप्ता है जिन्होंने मारा है। क्या अध्यक्ष जी आपकी पार्टी में जब आप ज्वाइन कराते हैं अपनी पार्टी या किसको कोई पद देते हैं उसके पहले कोई बुलेट वेरिफिकेशन नहीं कराते? देखिए ऐसा है, जो लोग हमें बताने वाले थे उनका हम विश्वास कर रहे थे और वो ऐसे प्रिय लोग थे, मैंने गलत बता ही नहीं सकते। ऐसे आपके साथ विश्वासघात हुआ जी। और फिर उनको एक और किस्सा सुना, उनका कोई लुक्का थे, उनसे उन्होंने ले लिए 2 लाख रुपया और उसको कहा कि हम जाने क्या मीडिया का जाने क्या बना देंगे, राष्ट्रीय प्रभारी। तो हमने जब सुना कि ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाप हो गए और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष से कोई परमिशन नहीं चाहते, अपने आप पद देते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा किसी को कोई पदाधिकारी बनाने का हमारी अनुमति के बिना अधिकार नहीं है, ये अनुशासनहीनता उन्होंने की। फिर मीटिंगों में जब हम एटा आए तब एटा नहीं आए, कह दिया छत्री समाज की मीटिंग थी इसलिए नहीं जाऊंगा। किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार से आपकी क्या मांग? किसान आयोग का गठन हो, किसान आयोग में केवल किसान रहें और किसान के कर्जे अब तक के सभी माफ हों, 60 साल पूरी करने के बाद किसान को 5,000 रुपया, मजदूर को 5,000 रुपया पेंशन मिले, लोकतांत्रिक प्रणाली के द्वारा केंद्र सरकार बनाई जाती है, इसको हमारा ध्यान रखना चाहिए। और पुलिस फोर्स में यदि कोई आदमी शहीद हो जाए तो उसकी पत्नी को 1 करोड़, और किसान दुर्घटना में मर जाए तो कितनी सूत्रीय मांगे हैं ये आपकी? कितना सूत्रीय मांगे हैं? मांग ये है कि मिलिट्री का कोई यदि आदमी मर जाता है फोर्स का तो उसकी पत्नी को 5 करोड़ रुपया मिलना चाहिए। जैसा कि आज अध्यक्ष जी ने बताया उनकी किसानों को लेके और भी मांगे रखेंगे अपनी सरकार के सामने और इसका आगे गठन किया जाएगा।